हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ मिनिमम एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज डॉक्ट्रीन ऑफ ड्रग प्रूविंग। ये सारे प्रिंसिपल्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज पे डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस डॉक्टर हैनीमैन ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द क्रोनिक केस विल रिटर्न विद अ रीअकरेंस ऑफ सिम्टम एट इंटरवल व्हाइल द एक्यूट डिजीज डिड नॉट रिलैप्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत ही फाइन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये सेवन कार्डिनल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया है। जब वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो क्रोनिक केसेस होते हैं इनके सिम्टम्स कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे रीअकर हो रहे हैं, जबकि एक्यूट डिजीजेस की नहीं होते। दिस फेलियर लेट हिम टू इन्वेस्टिगेट थॉरली अ लार्ज नंबर ऑफ क्रोनिक अफेक्शंस एंड आफ्टर 12 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ही रीच टू द कंक्लूजन दैट द क्रोनिक डिजीज आर कॉज्ड बाय क्रोनिक माइज़म। ये जो फेलियर है इससे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन क्रोनिक अफेक्शंस पे करने के बाद 12 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद जाके उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ये क्रोनिक माइज़म कॉज करता है। क्रोनिक माइज़म दैट इज सोरा, सेफिलिस एंड साइकोसिस, जिसमें सोरा ये एक फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूसर होती है इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ की। ये एक मदर है ऑल डिजीजेस की एंड एटलीस्ट जो 7th-8th ऑफ क्रोनिक डिजीज होते हैं ये सोरा की वजह से होता है एंड द रिमेनिंग इज इट इज बिकॉज ऑफ सिफिलिस एंड साइकोसिस। और इनकी जो क्योर है इट इज पॉसिबल बाय प्रॉपर एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट से। ऑल्दो दिस थ्योरी वॉज इनकॉपरेटेड इन 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इन 1829 बट ही पब्लिश्ड हिज क्लासिकल वर्क इन 1828 क्रोनिक डिजीज़ देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1828 में और ये 4th एडिशन में पब्लिश हुई 1829 में और इसका नाम था क्रोनिक डिजीज़ देयर नेचर एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिस। दिस वॉज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।